हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सुनील भारद्वाज, आई एम द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। टुडे आई विल डिस्कस विद यू स्टॉक लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी एंड इट्स एक्सप्रेशन। तो आज के हमारे दो मुख्य कंसेप्ट हैं अप्लाई फिजिक्स वन के, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्टॉक लॉ क्या होता है, और साथ में हम आपसे डिस्कस करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी क्या है और उसका एक्सप्रेशन क्या है, किस तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी हमारे इंक्रीज और डिक्रीज करती है। सेम केसेस में हम क्या पढ़ेंगे, स्टॉक लॉ की बात करते हैं। दिस इज़ द स्टॉक लॉ। तो सबसे पहले स्टॉक लॉ पढ़ने से पहले मैं इसकी स्टेटमेंट बता देता हूँ कि इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, और हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसका एक सिंपल मैथमेटिकली है कि हम जब डायमेंशनल फार्मूले से हम इसका प्रूफ निकालते हैं। डायमेंशनल फार्मूला आपको अगर आता है तो बड़ा ही ईजी है, केवल डायमेंशनल फार्मूला की जो पावर हैं उनको इक्वेट करके, लेफ्ट एंड राइट साइड्स इक्वल करके, ए बी सी की कुछ वैल्यू आएंगी उनको वहाँ रख करके स्टॉक लॉ आपका प्रूफ हो जाएगा। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टॉक लॉ। आपको डायरेक्ट इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, आपसे स्टॉक लॉ का फार्मूला पूछा जा सकता है कि पूरा फार्मूला क्या होता है। तो चलिए हम इसके बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू स्टॉक लॉ द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी passing through the fluid of viscosity neta is given by तो आपके पास में जो फोर्स रहेगा, दिस इज इक्वल टू 6 pi, ठीक है, नीटा आर वी। दिस इज द स्टॉक लॉ। क्या चीज़ है, 6 pi नीटा आर वी। ये क्या चीज़ है हमारे पास में, यही क्या चीज़ है, स्टॉक लॉ है। यही हमें प्रूव करना है। वे नीटा इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल या बॉडी, एंड वी इज़ द क्या चीज़ है, मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब मैं बात करता हूँ इसके डेरिवेशन की बेटा, यहीं पर डेरिवेशन देखते हैं इसका, डेरिवेशन कि आता कैसे है, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ स्टॉक लॉ। तो मैं ये कहता हूँ, अगर इसकी भी बात करें, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर मूविंग थ्रू द फ्लूइड इज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट केस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफी
the end of viscosity, ठीक है, of the liquid, of the fluid. इट मीन्स डेटा पे डिपेंड करता है. दूसरा क्या चीज़ है हमारे पास में, ये है हमारे पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड. इसका मतलब हमारे पास में वी पे डिपेंड करेगा. तीसरा क्या चीज़ है हमारे पास में, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, ऐसे कह देते हैं स्फेरिकल बॉडी, इसका मतलब आर पे डिपेंड करता है. तो ये वो क्वांटिटी है जिन पर हमारे क्या चीज़ है, ये विस्कस फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है. तो ले यहाँ दिखाई दे रहा है, चलिए आगे करते हैं इसको, ये सारा मिटा देते हैं, इससे एक ही बार में आ जाएगा. सभी स्टूडेंट हमारे लेक्चर को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, साथ के साथ इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी करें. तो हमने देखा बेटा हमारे पास में जो F था, तो F जो था हमारे पास में कि K, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ K और नीटा A आर B बी सी, ये हमारे पास में है, ठीक है. इसलिए हमने मान लिया वेयर के इज़ डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट. अगर मैं बात करता हूँ, ये एक इक्वेशन है, वेयर वेयर के इज डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट. सो डायमेंशनल क्वांटिटीज आर, सो dimensional quantities are, अगर मैं फोर्स की, मैं डायमेंशन की मैं बात करता हूँ, फोर्स को क्या कहते हैं, एम एल टी माइनस टू. ओके, अगर मैं नीटा की, मैं डायमेंशन की बात करता हूँ, तो नीटा की डायमेंशन की बात करता हूँ, एम एल इनवर्स टी इनवर्स. ओके, आर क्या चीज़ है हमारे पास में, एक लेंथ ही तो है, आर एल हो जाएगी. और अगर मैं वेलोसिटी की मैं बात करता हूँ, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, एम मीटर को लेंथ टी माइनस वन. ये हमारे पास में इनकी डायमेंशन है, ये सारी चीज़ आपको पता चल गया. तो अगर हम यहाँ इनको यूज करते हैं, ठीक है, तो देखिए अब मैं इनको कंपेयर कर लेता हूँ कि किस तरीके से हम इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है. तो यहाँ जब हम यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, देन वी हैव तो हमारे पास में दिस इज एम एल टी माइनस टू, दिस इज इक्वल टू, और हमारे पास में क्या रहेगा, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है. और नीटा की वैल्यू क्या चीज़ है, नीटा की वैल्यू है एम एल माइनस टी माइनस, तो ये आ जाएगा ए. ऐसे बी क्या चीज़ है, आर, आर का मतलब ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा एल टी माइनस वन सी है. तो ये हमारे पास में इस तरीके से आ गया, आपने इसको इस तरीके से कर दिया, एम एल टी माइनस टू दिस इज इक्वल टू के. अब आपने देखो एम तो एक ही है, ठीक है, क्या है एम ए. अब एल देखिए, एल माइनस वन ये बी और ये सी, तो ये आ जाएगा ए एल जो रहेगा, एल माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है. और टी की अगर मैं बात करता हूँ, माइनस ए और माइनस सी, ये केस हो गया या नहीं हो गया, चेक कीजिए. यहाँ से कंपेयर किया तो आप लिखो इक्वेटिंग
पावर ऑफ MLNT, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ये केस आपने याद रखिया। तो अगर बात की जाए, यहाँ देखते हैं M के, देखते हैं M बराबर क्या हो गया, M इधर A, M की पावर A यहाँ पर क्या है, 1 है, तो A बराबर क्या हो गया, 1, तो ये रहेगा A प्लस बी, ठीक है, और प्लस सी, ओके। इसके बराबर क्या है, यहाँ भी 1 है, और माइनस ए माइनस सी बराबर क्या रहेगा आपका, ये रहेगा 1, ठीक है, माइनस टू क्या रहेगा, माइनस टू। लेट मी चेक हियर, बताइए ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, आपको नहीं है। अब देखो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए बराबर 1 है, तो यहाँ से देखिए माइनस 1 माइनस सी बराबर माइनस टू, तो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू प्लस 1, तो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो सी इक्वल टू 1 आ गया, जैसे ए इक्वल टू ये आ गया था। ऐसे ही बी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कर लेते हैं, दिस इज द माइनस 1, बी निकालनी है, और ये दिस इज इक्वल टू क्या चीज़ है हमारे पास में, 1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो b इज इक्वल टू 1। तो अब ये कह सकते हो कि a बराबर b बराबर c बराबर 1, इन सब की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। तो ना ये सारा मैं रफ कर देता हूँ, हमें केवल ये है, ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है, ठीक है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट करो, एफ इज इक्वल टू के, के इनकी सबकी वैल्यू क्या है, 1 1 1, तो इसका मतलब नीटा आर बी ये हमारे पास में है, क्या चीज है, नीटा आर बी। तो देखिए ये 4 आई स्मॉल स्फीयर, 4 आई स्मॉल स्फीयर, द वैल्यू ऑफ के इज 6 पाई, तो ये कह दिया, तो एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर बी, दिस इज द स्टॉक लॉ, क्या चीज है, स्टॉक्स लॉ। किसी को कोई डाउट स्टॉक लॉ में, बताइएगा यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, चेक कर लो बेटा स्टॉक लॉ की कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास में स्टॉक लॉ। अब मैं बात करता हूँ आपसे, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ टर्मिनल वेलोसिटी की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ये है हमारे पास में नेक्स्ट आर्टिकल, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by a body while falling through the viscous medium is called terminal velocity।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू द विस्कस मीडियम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, टर्मिनल वेलोसिटी बेटा। अब एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी किसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैं स्फीयर की मैं बात करता हूँ, दिस इज द स्फीयर हैविंग द रेडियस आर, तो इसका जो वेट है यहाँ पर क्या लगेगा, इसका वेट, ठीक है, और यहाँ पर जो विस्कस फोर्स है, अगर मैं इसके विस्कस फोर्स की मैं बात करता हूँ, दिस इज द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स इसका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन एक फोर्स और लगता है इस पर जिसको हम बोलते हैं यू, यू यू इज द अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, क्या चीज़ है, अप थ्रस्ट फोर्स, दिस इज द एलआई का स्फीयर, ये आपका कोई स्फीयर है, तो अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ ये इसकी क्या चीज़ है, रेडियस है, क्या है, रेडियस, जिसको मैंने क्या कह दिया, आर, आर इज द रेडियस, यहाँ तक छोटा है ना, चलो बड़ा बना देते हैं, आर, आर इज द रेडियस, यहाँ तक, और डब्ल्यू बराबर क्या रहेगा आपके पास में, डब्ल्यू बराबर एम जी, ये फोर्स तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारे पास में वेट क्या रहेगा, एम जी, एम जी, अगर मैं ये कहता हूँ इसकी कंसीडर कंसीडर स्फेरिकल बॉडी कंसीडर स्फेरिकल बॉडी बॉडी ऑफ रेडियस रेडियस आर, ठीक है, मान लेते हैं एक स्फेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस क्या है, आर है, फॉलिंग थ्रो अ विस्कस विस्कस लिक्विड ऑफ द डेंसिटी डेंसिटी सिग्मा, ध्यान देना यहाँ पर केस क्या है, कंसिडर स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस लिक्विड ऑफ द डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, सिग्मा एंड एंड कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी विस्कोसिटी नीटा लेट रो बी द डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द किसकी रहेगी है, ऑफ द बॉडी बॉडी, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है और हमारे पास में बॉडी की जो डेंसिटी है वो क्या चीज़ है, रो है, ठीक है, दिस इज द सरफेस दिस इज द वॉल्यूम डेंसिटी, ये याद रख लेना, ठीक है, तो ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो ये कहता हूँ एज द बॉडी फॉल्स एज द बॉडी फॉल्स द विस्कस फोर्स एक्टिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बॉडी एज, पहला केस देखिए, पहला केस क्या कह रहा है, ये कहता है द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स,
ठीक है, हमारे पास में किस है डाउनवर्ड की तरफ में इसका क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। तो वेट हमारे पास में जो लगा है वो क्या है, डब्लू नहीं ये तो वेट क्या लगा बेटा हमारे पास में, W इज इक्वल टू क्या है एम जी, ये आपको पता है। एम क्या चीज़ है, मास, ठीक है, किसका मास, अगर हम बात कर रहे हैं बॉडी का, एम इज द मास ऑफ द बॉडी, अगर हम ये कहें एम इज मास ऑफ द बॉडी, तो हमारे पास में डेंसिटी क्या होती है, अगर डेंसिटी की मैं बात करता हूँ बॉडी की, मास ओवर में वॉल्यूम, ये होती है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी, वी इज वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी बॉडी, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा 4/3πr³। तो यहाँ पर डाल दीजिए, तो मास इक्वल टू, जो मास की वैल्यू आ जाएगी 4/3πr³ रो, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट में W इज इक्वल टू हमारे पास मास की जगह पर क्या है 4/3πr³ रो जी, ये हमारे पास में दिस इज द केस, ये केस आ गया थर्ड। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट हो। अब है हमारे पास में अप थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड displaced, तो अप थ्रस्ट फोर्स भी हमारा क्या रहेगा, वेट ऑफ द लिक्विड एम जी है। एम यहाँ पर जो एम है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे एम किसका है, मास ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, क्या चीज़ है यहाँ पे एम, चलो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है, इसको कैपिटल एम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कैपिटल एम इज द मास ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप्स, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा हमारे पास में, सरफेस डेंसिटी मास ओवर में वॉल्यूम, और मास इज इक्वल टू सरफेस वॉल्यूम, मास और ये रहेगा वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³, ये सेम रहेगा 4/3πr³ सिग्मा, ठीक है। तो इसको हम 4 कह देते हैं यूजिंग इक्वेशन 4, तो हमारे पास में अप थ्रस्ट जो फोर्स लगेगा 4/3πr³, ठीक है, सिग्मा जी, ये लगेगा सिग्मा जी। बताइए दोनों के हिसाब को समझ में आ गए, यहाँ तक किसी को, ये ठीक है। अब एक फोर्स और लगा है हमारे पास में एफ, ठीक है, एफ फोर्स जो लगेगा, चलो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ मैं इसको लिखता हूँ, ये है थर्ड केस की जो बात कर रहा था, दिस इज द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस कौन सा था, ये था हमने लिखा था वेट, ये सेकंड थर्ड केस में बात करता हूँ, द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी F is acting in the upward direction, ये याद रख लेना, ये ऊपर लगेगा, तो ये जो फोर्स लगेगा ये हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टॉक लॉ, क्या अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स लॉ, तो F is equal to 6π ηvr,
मैं सारा मिटा दूंगा। आपको पता चल गया मेरे पास में तीन तरीके की इक्वेशन आ चुकी है। सबसे पहले जो वेट था W, W क्या आया था आपके पास में, W आया था 4/3 पाई आर क्यू रो जी, दिस इज द केस। अब थ्रस्ट फोर्स आया था 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी, और ये फोर्स आया है 6π ηRb। ये हमारे पास में क्या आ गया, आपका केस आ चुके हैं। यहाँ तक देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो चेक कर लीजिए, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो। तो ये केस है when the body attains the maximum velocity तो हमारे पास में जो लग जाएगा क्या रहेगा, ये रहेगा कि जो W है वो नीचे लगता है, दो फोर्स ऊपर लग रहे थे, अप थ्रस्ट फोर्स और जो हमारे पास स्टॉक फोर्स था, अप थ्रस्ट फोर्स और WF इज इक्वल टू क्या रहेगा W, U की वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी, और इसकी वैल्यू क्या है 6π ηRv, वी इज द वेलोसिटी, दिस इज द 4/3 पाई आर क्यू रो जी, ये हमारे पास में एक वैल्यू है। तो हमने यहाँ से 6π ηRv ही लिख लिया, 6π ηRv इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी, ठीक है, 4π ηRv 4/3 पाई आर क्यू कॉमन ले लिया, यहाँ जाएगा रो माइनस सिग्मा जी, रो माइनस सिग्मा जी। देखिए अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है, ये 3 कैंसिल आउट हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, और आर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इसकी 3 ηV इज इक्वल टू, दिस इज द 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी, और यहाँ से वी वेलोसिटी निकाल ली जाए तो 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी। क्या चीज़ है, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी, और यस दिस इज द नीटा, ये नीटा नीचे आ जाएगा नीटा, ठीक है। ये केस आपको समझ में आ गया कि ये है, तो ये क्या चीज़ है, ये ऐसे लिख देता है, ये है हमारे पास में टर्मिनल वेलोसिटी, ये है टर्मिनल वेलोसिटी। अब आपको बताइए अगर मैं केस करता हूँ कि जो टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज, पहला केस है हमारे पास में केस फर्स्ट कह लीजिए, ठीक है, कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज, तो डेंसिटीज पर ये डिपेंड करती है। तो इसमें मैं ए पार्ट की कह देता हूँ कि ये कह दिया, इफ़
if this is the rho greater than sigma, rho greater than sigma, this is the positive quantity. तो पॉजिटिव क्वांटिटी में ये कह सकता हूँ कि हमारे पास में द बॉडी विल अटेंस द बॉडी विल अटेंस तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है. द बॉडी विल अटेंस द मैक्सिमम वेलोसिटी. ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन. पहला केस. दूसरा केस कीजिए, इफ रो इज लेस देन सिग्मा देन, तो हमारे पास में जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी. ठीक है, देन the terminal velocity will be negative at this condition. ठीक है, इस condition पर अगर ये rho है, this ये quantity ज़्यादा हो गई तो negative आ जाएगा. third case की अगर मैं बात करता हूँ, third case तो आपको पता ही है क्या बनेगा, if rho equal to sigma, अगर ये दोनों ही बराबर हैं तो दोनों बराबर हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो जीरो आ जाएगी. तो इसका मतलब क्या रहेगा, द बॉडी दिखाई दे रहा है ना, हाँ, द बॉडी रिमेंस सस्पेंडेड इन द फ्लूइड, इन द फ्लूइड इट मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी जीरो. तो यहाँ पे इस तरीके से आप कह सकते हो, ये केस आपने देख लिया. और अगले केस में आपने देख लिया, चलो ये सारी चीज़ मिटा देता हूँ. ठीक है, ये हो ही गया. केवल डिफरेंस वाला केस हुआ है, ठीक है. अब है टर्मिनल वेलोसिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस. ठीक है, नेक्स्ट नोट नंबर टू है, टू की मैं बात कर रहा था. टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी. इट मीन्स दैट अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि सिंपल ये कह दिया कि जो रेन ड्रॉप्स है, द ग्रेटर विल बी द रेन ड्रॉप्स. अगर किसी भी दो तरीके की रेन ड्रॉप्स मान लेते हैं, एक छोटी और एक क्या चीज़ है, बड़ी रेन ड्रॉप्स है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि इट मीन्स दैट द बिगर रेन ड्रॉप्स bigger raindrops has maximum velocity as compared to smaller raindrops. ठीक है, ये केस हो जाएगा कि ये हमारे पास में है. ये भी हो गया. अब क्या है तीसरा केस, क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी.
ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। तो इसका मतलब आपको पता हो गया कि जैसे जैसे हमारे पास में टर्मिनल वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट केस में आप लिख सकते हो टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। ठीक है, ये है टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट हाइट। ठीक है, ये आप कह सकते हो द टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। देखो क्या गलत स्पेलिंग लिख दी, इंडिपेंडेंट ऐसे आएगी ऑफ हाइट। तो ये हाइट पे क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, तो ये सिंपल केस था टर्मिनल वेलोसिटी का। यहाँ तक किसी के बाद देखिए, अब मैं बात करता हूँ टेम्परेचर ऑफ विस्कोसिटी। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी। इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो पहला केस मैं बात करता हूँ, पहले केस में when a liquid is heated then the kinetic energy of the molecules increases। ठीक है, then the kinetic energy of the molecules increases, it means that the intermolecular force become weaker। ठीक है, तो intermolecular force become weaker, it means that ये क्या कहता है कि अगर मैं बात करता हूँ, it means that the viscosity of the liquid decreases with increase the pressure, sorry temperature। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या याद रखना ना, तो ये है अकॉर्डिंग टू स्लॉटल इम्पीरिकल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या रहता है, दिस इज द नीटा नोट 1 + α t + β t² ये हमारे पास में फॉर्मूला रहता है। ठीक है, नीटा टी एंड नीटा नोट आर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ
viscosity at T degree Celsius and 0 degree Celsius. ठीक है, ये रहेगा रिस्पेक्टिवली एंड अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट. तो अल्फा एंड बीटा आर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. ये पहला केस आपने देख लिया. सेकंड की मैं बात करता हूँ, द रेट ऑफ डिफ्यूजन. देखिए यहाँ रेड पेन से लिख लेते हैं, ये सेकंड केस है. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज, अगर मैं गैसेज की बात करता हूँ, द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर. ये है, ठीक है. इट मीन्स दैट द विस्कोसिटी ऑफ द गैस इज इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजेज. ठीक है, जैसे ही आपके पास में ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, क्या चीज है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, गैसेज इज इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर. इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैसेज इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस, इट मीन्स द विस्कोसिटी ऑफ द गैस इज इंक्रीजेज. तो इस केस में क्या हो जाएगा, द विस्कोसिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेज व्हेन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो आज के इस केस में हमने आपको बता दिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी. ठीक है, तो आज के लिए ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू, बाय बाय.